हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम बैक टू द कैशलेस ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको डील करने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। मैं क्वेश्चन को वर्बली धीरे धीरे पढ़ूंगा, आपको सारे ऑप्शन समझाऊंगा और आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन को क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वन टन ऑफ द रेफ्रिजरेशन कैन बी डिफाइंड एज। तो आपका जो वन टन रेफ्रिजरेशन होता है, क्वेश्चन नंबर वन में आपसे पूछा गया है वन टन रेफ्रिजरेशन, इसकी वैल्यू क्या होती है ये पूछी गई है। इसके आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आपको ऑप्शन दे रखा है 1 किलोवाट, बी ऑप्शन दे रखा है 2 किलोवाट, सी ऑप्शन दे रखा है 3.5 किलोवाट एंड डी ऑप्शन आपको दे रखा है 5 किलोवाट। ठीक है, तो आपको बताना है वन टन रेफ्रिजरेशन किसके इक्वल होता है। ठीक है, बट इसका आंसर आपको देना है बहुत ही जल्दी, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। वन टन रेफ्रिजरेशन इज इक्वल्स टू 3.5 किलोवाट एंड इट विल बी इक्वल्स टू 210 किलो जूल पर मिनट। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखिए, द लोड कंपार्टमेंट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। आपका एक रेफ्रिजरेटर है, दिस इज योर रेफ्रिजरेटर, यह आपका एक कंपार्टमेंट है। इसमें क्या हो रहा है देखिए, इज मेंटेन्ड एट 4 डिग्री सेल्सियस, इज मेंटेन्ड एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बाय रिमूविंग द हीट फ्रॉम इट एट अ रेट ऑफ 360 किलो जूल पर मिनट। यहाँ से जो हीट रिमूव की जा रही है, दैट इज योर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, उस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू दे रखी है 360 किलो जूल पर मिनट। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इट इज रिक्वायर्ड पावर इनपुट टू द रेफ्रिजरेटर इज 2 किलोवाट। आपके रेफ्रिजरेटर में 2 किलोवाट की पावर दी जाती है, तो यहाँ पर वर्क इनपुट दे रखा है 2 किलोवाट। वर्क इनपुट नहीं लिखेंगे, इसे हम पावर ही लिखेंगे। अब ये जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, ये एक्चुअली रेफ्रिजरेशन इफेक्ट नहीं है, ये रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है। अगर आपने रेफ्रिजरेशन के क्लास अच्छे से लिया तो मैंने आपको बताया था व्हाट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, व्हाट इज द रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। सो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ किलोवाट में, क्योंकि आपकी पावर भी किस में गिवन है, किलोवाट में गिवन है। तो दिस विल बी 360 किलो जूल मिनट। को क्या लिख सकता हूँ मैं, 60 सेकेंड। सो दिस विल बी आपके क्या हो जाएगी, 6 किलो जूल पर सेकेंड। सो दिस विल बी 6 किलोवाट। Now come to the question that it is asking the value of the COP. So what will be the COP? COP will be the refrigeration effect divided by work input, और मैं इसको लिख सकता हूँ refrigeration capacity divided by power. इसको आंसर आ जाएगा आपके 6 divided by 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके 3। तो आपके ऑप्शंस में है एक 3 ऑप्शन, देख बता देता हूँ आपको क्या क्या है। ऑप्शन एक है 2.0, ऑप्शन बी है आपका 1/3, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 0.5, ऑप्शन सी है 0.5 एंड ऑप्शन डी इज द 3.0। कम टू द पॉइंट दैट 1/3 तो कभी हो ही नहीं सकता, सीओपी विल बी ऑलवेज मोर देन 1। ठीक है, ये था आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड की, द एक्सपेंशन प्रोसेस, द एक्सपेंशन प्रोसेस इन द थ्रोटलिंग डिवाइस ऑफ ए VCR साइकिल। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसमें वो पूछ रहा है कि जो आपका एक्सपेंशन प्रोसेस होता है VCR साइकिल में वो कैसा होता है। तो बिना ऑप्शन बताइए आप मुझे बता दीजिए कि वो कैसा होता है। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में क्या क्या ऑप्शन गिवन थे, ऐसे इजी इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, सो जो आपका थर्ड क्वेश्चन है दैट इज द एक्सपेंशन प्रोसेस, और ये कहाँ हो रहा है एक्सपेंशन प्रोसेस, ये एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है आपके थ्रोटलिंग डिवाइस में। किसमें? थ्रोटलिंग डिवाइस। जो ये आपका एक्सपेंशन प्रोसेस जो थ्रोटलिंग डिवाइस में हो रहा है ये कैसा होता है, तो ऑप्शंस देखिए उसने क्या क्या दे रखे हैं। आइसोथर्मल एडियाबेटिक, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, कैसा होता है, नहीं। ऑप्शन बी क्या होगा, एडियाबेटिक, ऐसा होता है, नहीं। अगर यहाँ इररिवर्सिबल एडियाबेटिक लिखा होता तो हो सकता था। ऑप्शन सी है आइसेंथेल्पिक, ऑप्शन डी इज द आइसेंट्रोपिक।
तो इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या होगा, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होगा, एंथैल्पी विल रिमेन कांस्टेंट। जो आपका VCRS साइकिल होता है, कभी भी VCRS साइकिल बनाओगे, कभी भी उसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो मैंने आपको कहा था कि आपको प्रॉमिस है आपको TS डायग्राम बनाना पड़ेगा। सो दिस इज योर VCRS साइकिल, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2 में क्या होता है, कंप्रेशन होता है, और ये कंप्रेशन कैसा होता है सर, ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। 1 जो स्टेट होती है वो सैचुरेटेड स्टेट होती है, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं बता रहा हूं वो आपको, ये 2' है, ये इवेपोरेटर है PE, ये PC कंडेंसर प्रेशर है, इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज किया, कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज किया, क्या इफेक्ट आया, दोनों का सेम था, ठीक है। 3 to 4 इज द थ्रोटलिंग प्रोसेस, 3 to 4 में क्या होता है आपका, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है जिसमें एक्सपेंशन होता है। तो मैंने यहाँ बताया था H3 equals to H4, तो कभी भी अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाता है तो डायरेक्टली H4 कभी भी गिवन नहीं होगा आपको, वो गिवन होगा इन टर्म्स ऑफ द H3, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, एयर रेफ्रिजरेशन इज प्रेफरेबली यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। जो आपका एयर रेफ्रिजरेशन होता है यह आपका एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है, क्यों, ठीक है। अगर यह आपने कभी भी नहीं पढ़ा तो भी आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो, ठीक है। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो भी आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। क्वेश्चन में एक बार बोर्ड पर लिखता हूँ, फिर आप देखिएगा क्या क्या ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फॉरगेट अबाउट द क्वेश्चन नंबर। आपका क्वेश्चन है कि एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल प्रेफर्ड इन एविएशन में प्रेफर्ड की जाती है, क्यों की जाती है। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या गिवन है, ऑप्शन आपको गिवन है, इट यूजेज एयर विच इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एटमोस्फेयर, इट यूजेज एयर, नाम ही एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है तो एयर यूज करती है, विच इज अवेलेबल इन, थोड़ा सा मैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज में ले लेता हूं, अवेलेबल इन अबंडेंट अमाउंट इन एटमोस्फेयर। अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है इट हैज हाई COP, इट हैज हाई COP। ऑप्शन सी क्या है आपका, इट्स वेट पर टन ऑफ द रेफ्रिजरेशन इज लो, इट्स वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज लो, एंड व्हाट इज द ऑप्शन डी, डी ऑप्शन क्या है, इट इज चीपर, इट इज चीपर। एग्जामिनेशन में ऐसे ऐसे ऑप्शन आ रखे हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं मिला एग्जामिनर को, तो इसका आंसर होगा आपके सी, इट्स वेट पर टन रेफ्रिजरेशन इज लो एज कंपेयर टू द अदर रेफ्रिजरेशन साइकिल। पर टन रेफ्रिजरेशन के लिए इसका जो वेट होगा वो कम होगा, इसलिए इसको हम एविएशन इंडस्ट्री में यूज में लेते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सब कूलिंग इन वेपर कंप्रेशन साइकिल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सब कूलिंग इन वेपर कंप्रेशन साइकिल, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब कूलिंग इन वेपर कंप्रेशन साइकिल रिजल्ट्स इन। ऑप्शंस क्या क्या है देखिए आपके, डज नॉट इफेक्ट द रिक्वायर्ड वर्क, डज नॉट इफेक्ट द रिक्वायर्ड वर्क एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विल बी इंक्रीज्ड। कैसा होता है सब कूलिंग वाला, जब तक मैं ऑप्शन लिखता हूं, सब कूलिंग वाला आप TS डायग्राम बनाओ, जल्दी से जल्दी TS डायग्राम बनाओ और फिर देखना कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीजेस द रिक्वायर्ड वर्क एंड डिक्रीजेस द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट,
तो यहां मैं सिंपल लिख देता हूं, वर्क इनपुट विल बी इंक्रीजेस एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विल बी डिक्रीजेस। सी ऑप्शन क्या है, देखिए सी ऑप्शन है इंक्रीज द रिक्वायर्ड वर्क एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, मतलब वर्क इनपुट विल ऑल्सो इंक्रीजेस एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विल ऑल्सो इंक्रीजेस। वट इज द ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है, डिक्रीजेस द रिक्वायर्ड वर्क एंड द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। सो वर्क इनपुट विल बी डिक्रीजेस एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विल बी डिक्रीजेस। तो इसको करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको बनाना पड़ेगा TS डायग्राम। सो दिस विल बी द TS डायग्राम। TS डायग्राम बनाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा डोम। तो दिस इज द डोम। पहले आप साइकिल बनाइए विदाउट सब कूलिंग। तो विदाउट सब कूलिंग आपकी साइकिल होती है कुछ इस तरीके से। सो दिस इज 1, 2, 3 एंड 4। अगर आप सब कूलिंग करते हो एट कांस्टेंट प्रेशर तो आपकी साइकिल कुछ इस तरीके से नीचे जाएगी, फिर वापस ऐसे आ जाएगी। सो दिस इज द 3 डैश, दिस इज द 4 डैश। तो सब कूलिंग करने से क्या होगा, सब कूलिंग करने से क्या आपके वर्क इनपुट पर कुछ इफेक्ट आया? नहीं, वर्क इनपुट विल रिमेन सेम, वर्क इनपुट विल बी नो चेंज। अगर मैं बात करता हूं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की, सो द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विल बी इंक्रीजेस। सो दिस इज द RE डैश, दिस इज द RE। सो RE डैश विल बी मोर देन द RE, मतलब जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है सब कूलिंग में, इट विल बी मोर देन द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इन सिंपल VCRS। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज होता है, वर्क इनपुट चेंज नहीं होता है, डजंट इफेक्ट द रिक्वायर्ड वर्क एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विल बी इंक्रीज। सो द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब मैं यहीं पर एक क्वेश्चन बना देता हूँ, वट विल बी द इफेक्ट ऑन द COP? वट इज द COP? COP इज द रेशियो ऑफ द डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। अगर आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो COP पर क्या इफेक्ट आएगा, COP भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सो दिस इज द अनदर क्वेश्चन कि सब कूलिंग करते हैं तो COP पर क्या इफेक्ट आता है, सुपर हीटिंग करते हैं तो क्या COP पर इफेक्ट आता है, वो भी पूछा जा सकता है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, लेकिन अगर टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट आपके क्वेश्चन में दिया हो तो आप उसको सोल्व कर सकते हो। सेम क्वेश्चन आपका सुपर हीटिंग में बन सकता है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर क्या होगा, वर्क इनपुट पर क्या होगा, आपका वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा अंडर द सुपर हीटिंग। सुपर हीटिंग में क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा और आपका वर्क इनपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। यह हमने किया था रेफ्रिजरेशन की क्लास में। देखिए यह तो डायग्राम था आपका सब कूलिंग का, किसका डायग्राम है ये, सब कूलिंग। अगर मैं बात करता हूं सुपर हीटिंग, तो सुपर हीटिंग देखिए, सुपर हीटिंग के लिए भी हम बनाते हैं कौन सा डायग्राम, TS डायग्राम। दिस इज द TS डायग्राम, दिस इज योर डोम कर्व। पहले बना दो सिंपल VCRS, दिस इज 1, 2, 3, 4, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। ठीक है, हमने कर दी सुपर हीटिंग, तो ये लो सुपर हीटिंग कर दी है हमने। सुपर हीटिंग करने से क्या होगा, हमने मान लो यहाँ तक सुपर हीटिंग की है, सो दिस विल बी द सुपर हीटिंग, दिस विल बी 1 डैश, दिस विल बी 2 डैश। तो आपका जो वर्क इनपुट होगा, जो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वर्क इनपुट, सो दिस वर्क इनपुट विल बी इंक्रीजेस। पहले कम था अब ज़्यादा है। अब मैं बात करता हूँ अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की, सो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैन बी ऑल्सो इंक्रीज बाय द डन द सुपर हीटिंग। तो ऐसा सुपर हीटिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर सब कूलिंग का पूछा है तो ऑब्वियसली सुपर हीटिंग का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो समझ सकते हो, एक क्वेश्चन अगर बनता है ना तो उसमें जो भी 4 ऑप्शन है ना वो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई अगर और टॉपिक है उस पर भी वो सेम क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन बढ़ाने को तो कितना भी बढ़ा लो। सुपर हीटिंग से वर्क इनपुट पर क्या इफेक्ट होता है, एक क्वेश्चन ही होगा। सुपर हीटिंग से रेफ्रिजरेटर इफेक्ट पर क्या इफेक्ट होता है, दूसरा क्वेश्चन। सुपर हीटिंग से दोनों को कंबाइंड करके पूछा जा सकता है, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कितने भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन इफेक्टिवली आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है, किस मैनर में आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आएंगे और कैसे आने वाले हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट लोअरिंग द इवोपरेटर प्रेशर। देख लीजिए क्वेश्चन आ चुका है, जो भी हमने क्लास में पढ़ा है सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जामिनेशन में आज तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल भी हमने इरिलेवेंट नहीं पढ़ा है, हमने
टू द पॉइंट ही पढ़ा है, ठीक है, ना उससे ज्यादा आएगा ना उससे कम आएगा, ठीक है, जितना आता था जितना आया है और जितना आएगा ना उतना ही हमने पढ़ा है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लोअरिंग द एवोपरेटर प्रेशर इन सिंपल VCRS। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अगर हम एवोपरेटर प्रेशर को कम करते हैं, लोअरिंग द एवोपरेटर प्रेशर, अगर हम इवेपरेटर प्रेशर को कम करते हैं तो देखिए क्या होगा। अब मैं ऑप्शन ही नहीं बता रहा हूं, अब मैं सीधा आपको TS डायग्राम में लेके जाता हूं। सो दिस इज योर TS डायग्राम, कभी भी क्वेश्चन आता है इफेक्ट का TS डायग्राम पक्का बनाना है आपको। सो दिस इज योर डोम कर्व, पहले बना दो सिंपल VCRS, सो दिस विल बी द सिंपल VCRS 1 2 3 4। उसके बाद क्या करो आप, उसके बाद क्या करना है आपको, एवोपरेटर प्रेशर को कम करना है, कर दो, ये लो आपका एवोपरेटर प्रेशर कम हो गया, लो सो दिस इज द 1 डैश, दिस इज द 2 डैश, ठीक है, ये आपका एवोपरेटर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, हुआ कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल हुआ है। ये पहले आपकी थी सिंपल VCRS, ये आपका एवोपरेटर प्रेशर, ये आपका कंडेंसर प्रेशर, अब आपका एवोपरेटर प्रेशर कम हो गया है। अगर हम एवोपरेटर प्रेशर को कम करते हैं तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज होता है, वर्क इनपुट इंक्रीज होता है, सीओपी क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। तो अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो रहा है तो सीओपी कम हो रही है, वर्क इनपुट इंक्रीज हो रहा है सीओपी कम हो रही है, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि सीओपी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या गिवन है। ऑप्शन में आपका गिवन है इंक्रीजेज द रिक्वायर्ड वर्क, यस इंक्रीजेज द रिक्वायर्ड वर्क, सेकेंड उसमें दे रखा है कंटिन्यूएशन में, एंड डिक्रीजेस द सीओपी, सीओपी विल बी डिक्रीज, तो ऑप्शन ए तो आपका करेक्ट हो ही गया है। अब बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, बाकी ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है। बाकी ऑप्शंस में आपको गिवन है कि डिक्रीजेस द रिक्वायर्ड वर्क एंड सीओपी, सीओपी और वर्क दोनों ही डिक्रीज होगा, कहां वर्क तो इंक्रीज हो रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, देखिए पहला ऑप्शन है आपके वर्क इनपुट इंक्रीज होगा सीओपी डिक्रीज होगा, दूसरा ऑप्शन क्या है आपके वर्क इनपुट एंड सीओपी दोनों ही, वर्क इनपुट एंड सीओपी दोनों ही क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। सी ऑप्शन क्या है आपका, देखिए सी ऑप्शन है आपका डिक्रीजेस द रिक्वायर्ड वर्क इनपुट, आपका मतलब वर्क इनपुट डिक्रीज होगा एंड सीओपी इंक्रीज होगा। डी ऑप्शन आपको दे सकता है कि वर्क इनपुट एंड सीओपी दोनों इंक्रीज होगा। तो देखिए पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है ना, कि आपका वर्क इनपुट क्या हो जाता है इंक्रीज, तो यहां पर देखिए वर्क इनपुट क्या है ज्यादा, पहले था कम, सो दिस इज द प्रीवियस एंड दिस इज नाउ एक्चुअल वर्क इनपुट आफ्टर द लोअरिंग द एवोपरेटर प्रेशर, तो आपका वर्क इनपुट इंक्रीज होता है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता डिक्रीज वाला, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता डिक्रीज वाला, तो दो ही बचे। अब आते हैं सीओपी पर, हमेशा दो ऑप्शन पर ही आके फंसते हैं हम। अब हम आते हैं सीओपी पर, तो सीओपी पर क्या इफेक्ट होता है, तो सीओपी पर देखिए डिक्रीज हो जाती है, ऐसे करके देखोगे ना तब पता चलेगा, मन में क्वेश्चन मत सोल्व कर देना, मन में क्वेश्चन सोल्व करोगे तो 101% गलत हो सकते हो, ठीक है, तो गलत नहीं होना हमको। तो सीओपी क्या हो जाती है डिक्रीज, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। अब देखिए अगर लोअरिंग पर आ रखा है तो इंक्रीजिंग पर भी आ सकता है। अब इवोपरेटर प्रेशर पर आ रखा है तो कंडेंसर प्रेशर पर भी आ सकता है, तो क्वेश्चन देखिए मैं गिना देता हूं, लोअरिंग आया वर्क इनपुट का पूछा फर्स्ट क्वेश्चन, लोअरिंग आया सीओपी का पूछा 2 क्वेश्चन, लोअरिंग आया दोनों का पूछा 3 क्वेश्चन, उल्टा कर दो इंक्रीजिंग का 3 and 3 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन फॉर द एवोपरेटर प्रेशर एंड 6 क्वेश्चन फॉर द कंडेंसर प्रेशर, तो 12 क्वेश्चन हो गए यहां पर। तो मतलब एक क्वेश्चन ऐसा करो जिसमें सभी क्वेश्चन आपके हो जाए, तो कभी भी इफेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, कभी भी इफेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो आपको हमेशा TS डायग्राम बनाना है, फॉर्मूला बनाना है, उसके बाद ही करना है, मन में वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आता आता नंबर छूट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।